हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल धनश्री क्लासेस। बच्चों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है जीके क्लास फिफ्थ, और इसका जो चैप्टर नंबर 9 है, देखिए ह्यूमन एलिमेंट। इसमें देखिए कुछ डिशेस के नाम दिए गए हैं और किस वजह से वो डिशेस होते हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो क्वेश्चन क्या है कि टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए है, वो डिशेस के नाम है, वो उसमें से जो सही ऑप्शन है वहां पर हमें टिक करना है। ठीक है, पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग डिशेस इज कॉज्ड बाय वायरस। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, देखिए कॉलरा है, मलेरिया है, स्मॉल पॉक्स है और एनीमिया है। इसमें स्मॉल पॉक्स ये हमारा सही ऑप्शन है। सेकंड है मलेरिया इज डिसेज विच एफेक्ट द, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें हमारा सही ऑप्शन है स्पेलिन। इसके बाद थर्ड है एनीमिया इज कॉज ड्यू टू द डिफेंसी ऑफ, हमारा सही आंसर इसमें आता है आयरन, ऑप्शन नंबर डी। 4 नंबर है सिलेंड्रिकल ग्लासेस आर एडवाइज टू अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एस्टिग्मेशियम। उसके बाद 5th नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेज इंक्लूड इम्यूनिटी, और सही आंसर हमारा स्मॉल पॉक्स। 6th नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मॉस्किटो बोर्न डिसेस, और हमारा सही आंसर है नाइट ब्लाइंडनेस। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, देखिए मलेरिया है, स्लीपिंग सिकनेस है, यहाँ पर फिलेरियासिस है, हमारा सही आंसर है नाइट ब्लाइंडनेस। 7 नंबर है ट्रेचमा इज डिसेस ऑफ द, हमारा सही आंसर आता है आई। और 8 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और उसका आंसर आता है देखिए टेंटस। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पर ये ह्यूमन एलिमेंट जो लेसन है उसमें जो क्वेश्चन थे वो यहाँ पर सॉल्व किए हैं। आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों को काफी हेल्पफुल लगेगा। ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा, समझ में आया, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।